बड़वानी जिले के ग्राम कसरावत में बकरियों के बाड़े में वन्य प्राणी लकड़बग्घे ने हमला कर चार बकरियों को शिकार बनाया है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है। बड़वानी जिले के ग्राम छोटी कसरावत में देर रात वन्य प्राणी द्वारा बकरियों के बाड़े में हमला कर करीब चार बकरियों को मौत के घाट उतार दिया है। वहीं एक बकरी घायल है। ग्रामीणों के अनुसार डूब से उन्हें बाहर बताया गया है, जबकि उनके घर डूब में है। ये लोग बाहर से दो दिन पहले ही ग्राम छोटी कसरावत में रहने आए और अपने साथ अपने जानवर भी लेकर आए और देर रात जानवर ने बाड़े में घुसकर चार बकरियों को मौत के घाट उतार दिया है। हालांकि घटना की सूचना के बाद वन मंडल की टीम मौके पर है। पंचनामा तैयार किया जा रहा है ताकि जो भी प्रशासन की गाइडलाइन है उनके अनुसार पीड़ित को मुआवजा राशि दी जाए। वन विभाग के द्वारा उक्त घटना में वन्य प्राणी लकड़बग्घा के पद चिन्ह पाए जाने की बात, संभवतः हमला लकड़बग्घे के द्वारा ही किया जाना बताया जा रहा है। फिलहाल विवेचना जारी है। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। मेरा नाम गुलाम मीर। भाई साहब, क्या हुआ है, क्या घटना हुई है गांव में? यहाँ पे घटना हुई है कि भेड़ों का जो बाड़ा है, भेड़ अंदर बंदी हुई थी। रात को कोई अज्ञात जानवर आके चार भेड़ों को मार डाला और एक को घायल कर दिया। दो रोज पहले यहाँ पानी का बैग वाटर लेवल था, पिछले वर्ष से भी था, इस वर्ष से भी है। दो रोज पहले ये लोग यहाँ पर आए अपने बाड़े में और आज रात को ये घटना घटी है। शासन अगर इनके ओर ध्यान देती है तो ये घटनाओं से बचते रहेंगे। हर विस्थापित के साथ ये घटना होना संभव है, ये दिखाई दे रहा है। या फिर हम विस्थापितों को प्रशासन की ओर प्रस्थान करके वहाँ अगली कार्रवाई करना पड़ेगी। या तो हम कार्यालय में जाकर विस्थापित होंगे या फिर हमें बसाया जाए। अभी बसाया नहीं गया मूल, अभी बसाया नहीं गया है। मुआवजा वगैरह मिला है कुछ? 2017 में डूब से बाहर किया था, 2019 में पानी आ गया, इसके बाद भी शासन को डूब से बाहरी बता रही है। क्या नाम है अभी आपका? मेरा नाम दीपक सोलंकी है। कौन सी बीट पे हो? बड़वानी बीट है, राजस्व क्षेत्र। क्या घटना हुई है? यहाँ पर मोबाइल पर सूचना मिली कि ग्राम कसरावत में गोपाल जी धनगर के यहाँ पे वन्य प्राणी द्वारा भेड़ों को मार दिया गया। मौका स्थल पर आकर निरीक्षण करने पर पता चला कि चार भेड़ें मृत अवस्था में पाई गई है, जिसमें से दो ब्लैक कलर की है, दो व्हाइट कलर की है, जिनकी उम्र लगभग 2 से 3 वर्ष है। आगे क्या किया जाएगा? आगे मौका पंचनामा बनाकर इनको उचित मुआवजे की कार्रवाई हेतु आवेदन प्रस्तुत करेंगे। क्या लग रहा है, कौन सा जानवर हमला हुआ? आसपास निरीक्षण करने पर देखा गया कि वन्य प्राणी लकड़बग्घे के पगमार्क दिखाई दिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।